से आ रही है, इस पर हमारी नजर लगातार है। अब देखिए, एक देखिए भीषण आग जो लगी, उसमें 6 की मौत हुई है और ये आग एक बहुमंजिला इमारत में रात के करीब 3 बजे के आसपास लगी है। तो घटना में 40 लोगों के घायल होने की अब खबर आ रही है। देखिए आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग से कई वाहन जलकर खाक हो गए। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन बुरी खबर ये कि 6 लोगों की जान चली गई। इतना भीषण ये हादसा हुआ, देखिए मुंबई के गोरेगांव की खबर आपको बता रहे हैं। भीषण ये आग लगी, बीती रात 3 बजे की घटना बताई जा रही है, जब एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी और ऐसे में 40 लोगों के घायल होने की खबर है, 6 लोगों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी नीलेश शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीलेश, सबसे पहले आखिर आग कैसे लगी और घायलों की स्थिति कैसी है? जी, सबसे पहले आपको बता दें कि बीती रात 3 बजे के करीब गोरेगांव वेस्ट इलाके में स्थित जय भवानी इमारत में आग लगी, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और इमारत में सो रहे कई सारे लोगों को वहां से रेस्क्यू करवाया। और इसमें जो अभी संख्या बताई जा रही है, करीब 46 के आसपास जो लोग हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिनमें अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि अन्य 2 अभी भी बेहद गंभीर बताए जाने यानी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। जिस प्रकार आप जिक्र रही हैं आग के कारणों का, उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक बात ये निकल कर सामने आ रही है कि आग जो है वो पार्किंग लॉट से शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपरी मंजिल तक बढ़ने लगी, जिसमें ये जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं कि 46 इंजर्ड हैं, जिनमें 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और आशंका जताई जा रही है कि ये जो आंकड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। गंभीरता इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीबन 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, यानी कि 3 बजे आग लगी थी और सुबह 7 बजे आग पर काबू पाया गया है। जी, कितने लोग इस बिल्डिंग में मौजूद थे, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है, आंकड़ा बता रहा है 46 लोग, सभी के सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया होगा, 6 लोगों की मौत हो गई है, क्या कई जो घायल हैं उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है? जी बिल्कुल, इस पूरी घटना में सबसे गौरतलब बात यह है कि ये देर रात 3 बजे के करीब लगी, उस वक्त जब अधिकतर जो लोग हैं वो गहरी नींद में होते हैं और यही एक कारण है कि जो इंजर्ड लोगों की संख्या है वो काफी ज्यादा है। अब क्योंकि ये G+5 यानी कि करीबन करीबन बताएं कि 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, जिनमें प्रति फ्लोर 4 से 5 फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे में अगर एक परिवार में भी 4 व्यक्ति हम कंसिडर करते हैं तो ये संख्या जो है काफी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में दमकल विभाग के कर्मचारी जब मौके पर पहुंचे, उन्होंने फायर को लेवल 2 डिक्लेयर किया और उसके बाद सबसे पहले कार्रवाई करते हुए पूरी इमारत को खाली करवाया, जिनमें अब तक जो दुखद रूप से जानकारी मिल रही है उसमें 46 लोगों का आंकड़ा है जो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। लेकिन निलेश, ये बताइए, जिस तरीके से हम विजुअल्स देख रहे और आप पूरे हालात को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या इस बहुमंजिला 5 मंजिला इमारत में जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया था? इतनी भयानक अग्निकांड यहां पर हुआ है, इतने लोगों की जान गई है, डेथ टोल में इजाफा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी कमी और मैसिव लूप होल रहा होगा। नीलेश शुक्ला जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बेहद ही गंभीर सवाल है जो हर बार उठता है और खासतौर पर प्रशासनिक जो प्रणाली है उसके ऊपर, बीएमसी के ऊपर प्रतिवर्ष इस तरीके के सवाल उठते रहे हैं। दमकल विभाग लगातार ये क्लेम करता रहा है कि वो कई सारी जो बिल्डिंग है, जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसे कंसिडर करता रहा है, लेकिन जब इस तरीके के हादसे सामने आते हैं तो यही प्रमुखता से बात उठती रही है और ये पता भी चलता है कि जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, जो बिल्डिंग्स हैं इमारतों में, इस तरीके के जो सिस्टम, आधुनिक सिस्टम लगे होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं विफल होते हैं। हालांकि अब ये इस बिल्डिंग में जो हादसा हुआ है वो फिलहाल जांच का विषय है कि क्या इस इमारत में जो सेफ्टी नॉर्म्स थे क्या उन्हें पालन किया गया था, और अगर ये सेफ्टी सिस्टम लगे थे तो क्या वो एक्टिव थे, क्या वो काम करने की स्थिति में थे, क्योंकि अक्सर ये भी पाया जाता है कि इमारतों में जो सेफ्टी सिस्टम्स हैं वो लगे जरूर होते हैं लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब उस वक्त वो फंक्शन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है जो जिसको लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं और जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीलेश देखिए, अगर लापरवाही हुई है तो जांच जरूर होगी और ऐसे में देखिए होता ऐसा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, पुलिस जांच करती है, लेकिन इस इलाके की अगर बात करें तो ये इलाका किस तरह का है?
जी बताएं, ये गोरेगांव मुंबई के सबर्बन इलाके में आता है, जो कि घनी बस्ती वाला इलाका माना जाता है। ये जो इमारत है वो SRA बिल्डिंग है, जहां पर जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो रहते हैं। और ये जो हादसा है वो देर रात घटित होता है, जिसका कारण अब तक पता नहीं चल सका है। लेकिन क्योंकि गाड़ियां जो है गैराज में पार्क थी, और जो प्राथमिक जानकारी उसके अनुसार जो आग है वो गैराज से ही शुरू हुई, जो यानी कि जो पार्किंग लॉट है वहां से ही शुरू हुई। ऐसे में उस वक्त क्योंकि वहां पर कई सारे जो कूड़ेदान होते हैं, कहें कि कई सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जिनमें कुछ पेपर हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, और उन्होंने बिल्कुल निलेश ये बताइए कि जिस तरीके से आप पूरी तस्वीर को बयां कर रहे हैं, इस भयावह हादसे को बयां कर रहे हैं, ऐसा मालूम चल रहा है कि जो डेथ टोल है उसमें इजाफा भी हो सकता है, जख्मियों के टोल में भी इजाफा हो सकता है। हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा बट किया गया है, और बड़ी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं घटनास्थल से। निलेश जी बिल्कुल, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली थी, पहले ये बताया गया कि 31 लोग इसमें घायल हैं, फिर उसके बाद ये बढ़कर 46 तक पहुंच गया, और मृतकों की संख्या 6 और अभी फिलहाल 2 क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। यानी कि जो संख्या है, चाहे वो इंजर्ड की हो या डेथ की हो, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये जो कहें कि दुखद बात है कि इसमें भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो प्राथमिकता इस बात को दी जाती है कि फायर को कंट्रोल किया जाए, कन्फाइन किया जाए, और उसके बाद इमारत को पूरी तरीके से खाली किया जाए। इसके बाद जो ये डेटा है वो सामने निकल कर आते हैं, और ऐसा ही बिल्कुल निलेश देखिए, गोरेगांव मुंबई का वो लोकेलिटी है, वो इलाका है जहां पर पूरी फिल्म सिटी बसी हुई है। मुंबई की सारे सेलिब्रिटीज, मूवीज की शूटिंग और बड़े बड़े जो सेट्स हैं यहाँ पर लगे रहते हैं, और उसके आसपास का इलाका मैं गेस कर रही हूँ क्योंकि आप वहां से रिपोर्ट करें, आप बेहतर लोकेलिटी को डिस्क्राइब कर पाएंगे। ये वो इलाका है जो कि फिल्म सिटी से बहुत ज्यादा दूरी पर तो नहीं होगा निलेश, क्योंकि गोरेगांव इतना बड़ा तो नहीं है कि उसमें इतनी दूरी रहे। तो निश्चित तौर पर ये हादसे अगर एक 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 इमारत में हो रहे हैं, आसपास भी संदेश जाएगा कि देखिए सिक्योरिटी नॉर्म्स जो हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं, इनका ख्याल रखिए आप, क्योंकि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। निलेश कहीं ना कहीं जी बिल्कुल, इस तरह के जो हादसे होते हैं कहीं ना कहीं इलाके के लोग हैं उनके लिए दहशत वाली। निलेश आपको रुकना चाहेंगे, मनोज कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। मनोज आपके पास क्या ताजा तस्वीरें, क्या हो रहा है इस वक्त, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं वही स्पॉट पे हूँ जहाँ यहाँ पे कल रात को आग लगी थी। गोरेगांव की ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में पहले जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे आग लगा था, और इसके बाद ये जो 7 मंजिला इमारत है इसमें आग लगा था। लेकिन ये आग ज़्यादा भड़कने से और ज़्यादा धुआं होने से कुछ लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे। जैसे ही ये फायर ब्रिगेड को इनकी जानकारी मिली, वैसे वो फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियाँ आई, और यहाँ पे जो आग लगी थी उसको काबू पा लिया गया। अभी फिलहाल कूलिंग का भी काम खत्म हुआ है, लेकिन 31 जो लोग हैं वो इसमें घायल हुए थे, उनको जो कूपर हॉस्पिटल है वहाँ पे कुछ लेके गए थे, और दूसरा हॉस्पिटल वहाँ पे भी लेके गए थे। लेकिन इसमें 6 लोगों की मौत हुई है ऐसा सामने आया है। अभी जो फिलहाल अग्निशामक जो दल है वो ये पूरा, और पुलिस ये इसकी जांच कर रहे हैं कि ये आग कैसी लगी थी, क्यों लगी थी, इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन पहली जो जानकारी सामने आ रही है वो शॉर्ट सर्किट से लगी है, या फिर यहाँ पे जो बिल्कुल मनोज आप चूंकि ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन को कहिए थोड़ा कैमरा पैन करें, आसपास के विजुअल्स को बेहतर तरीके से दिखाएं ताकि हम भी समझ पाएं और हमारे दर्शक समझ पाएं कि देखिए गोरेगांव इलाका है मुंबई का जहां पर भीषण अग्निकांड हुआ है। साथ ही मनोज ये भी बताइए, सुबह के 8:06 का समय हो रहा है, क्या आग पर पूरी तरह काबू पाया जा चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, क्या कूलिंग ऑपरेशन घटनास्थल पर शुरू हो गए हैं, क्या अभी भी अग्निशमन विभाग की गाड़ियां वहां पर तैनात हैं, क्या अभी भी रेस्क्यू लोग किए जा रहे हैं। मनोज जी जी बिल्कुल, रेस्क्यू का जो काम था वो भी पूरा हुआ है, जो फायर का काम था वो भी पूरा हुआ है, कूलिंग का काम चल रहा था वो भी पूरा हुआ है, और अभी जो अग्निशामक जो फायर ब्रिगेड है और लोकल पुलिस है वो यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं कि किस वजह से जो ये आग लगी थी इसकी जानकारी ले रहे हैं। और जो हॉस्पिटल में भर्ती है उनमें से 6 लोगों की मौत हुई है, तो कुछ लोग जो है जो सीरियस है उन पे भी अभी दवा पानी उपचार चल रहा है,
लेकिन अभी ये जो आग लगी है किस वजह से लगी है, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हुई है, इसकी जानकारी अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। यहाँ पे सुबह सुबह जो लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास ये आग लगी थी, जो लोग थे सोए हुए थे, लेकिन जैसे आग लगने की खबर मिली और जो धुआं था उसकी वजह से उनको निकलने में काफी दिक्कत हुई थी और इसी वजह से कुछ जो लोग हैं वो घायल हुए थे। और ये आ रही है कि मरने वालों का जो आंकड़ा आप देखिए 7 हो गया है, पहले ये आंकड़ा 6 था, यानी मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। बेहद ही दुखद खबर मुंबई के गोरेगांव से, जहां पर ये भीषण हादसा हुआ है, आग लगी हुई थी, बीती रात 3 बजे की घटना। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से अब मरने वालों का आंकड़ा 7 हो गया है, कई लोग घायल हैं, 46 जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 46 लोग इंजर्ड हैं, घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, लेकिन ये मरने वालों का जो आंकड़े की अब जो खबर आ रही है वो अब 7 हो गई है। लगातार हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। मनोज, जो जगह, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, काफी कंजेस्टेड एरिया ये लग रहा है, क्या आसपास की दूसरी इमारतों, आसपास के दूसरे घरों से भी लोगों को निकाला गया, खाली कराया गया? जी जी बिल्कुल, जैसे ही इस बिल्डिंग में आग लगा था मालूम पड़ा, और बाजू में जो ये बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के रहने वाले जो रहवासी है उनको भी नीचे लाया गया, क्योंकि एहतियात के तौर पर ये काम किया गया कि जो आग है उसको काबू पाने में यदि लेट हुए या फिर घर पे ऊपर ज़्यादा आग लग जाती है या घर में गैस सिलेंडर, एसी या फ्रिज रहते हैं, इसकी वजह से ये आग भड़क सकती है, इसी वजह से जो बाजू के लोग हैं उनको भी खाली कराया गया था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये आग जो है वो पूरी तरह से एक ही बिल्डिंग के आसपास ही थी, बाजू की बिल्डिंग में गई नहीं है। बिल्कुल मनोज, ये भी बताइए, चूंकि 5 मंजिला इमारत है, निलेश भी रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर, बता रहे हैं कि शायद 5 मंजिला ये इमारत है, क्या सभी मंजिलों को इस इमारत की आग ने अपनी जद में लिया या कुछ फ्लोर्स तक इसका प्रकोप देखा गया? जी जी बिल्कुल, ये एक ही इमारत जो है उसी में ही आग लगी थी और जो लोग थे वो जैसे आग की जानकारी मिली वैसे ही वो बाहर आए हैं, इसकी वजह से जो ज्यादा हादसा होने वाला था। चलिए बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हमने देखी मुंबई के गोरेगांव में, जिस तरह से बीती रात आग लगी हुई थी और उसके चलते 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ज़ी न्यूज़।